21 मास्टर शुद्ध भारत गुरुवार तारीख 24/74 ना दिन पूज्य श्री गांधी स्वामी ने श्री समाधि तंत्र में लोक सात पर स्वर्ण कोई नाप श्री समाधि तंत्र पर ना संप्रवचन नंबर 100 नमो लोये सौ हरिहंतानम नमो लोये सौ सिदानम नमो लोये सौ आयरियान नमो लोये सौ जयानम नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती सावनम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिन कामदम औषधम से ओंकाराय नमो नम मंगलम भगवान मंगलम रूपमूर्ति मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मंगलम नमः समर्पितम् यहाँ समाधि तंत्र से अधिकार आत्मा में धर्म केम थाय समाधि एटले शांति केम मळे आत्मा पोतानी जात छे परमात्मा स्वरूपे सुदानंद आत्मा छे एमा स्वरूप शुद्ध चैतन्य सन्मुख थईने जे आत्मा ने श्रद्धा ज्ञान ने शांति अंतर एकाग्रता थी थईते एने समाधि कही एने धर्म कहिए એને મુક્ત નો માર્ગ સમજવાનું કારણ સંખ્યા તો આપણા મુક્તમાં સમાજના પાઠમાં આવે છે વાંચી છે પંડિતજી દુઃખકો કમકો નહીં સમાજ પર મુક્તમંદિર આપે સમાજ ના આપે એ સમાજ પછી એ જ તમારે તો આવું જ પડે છે એની વાંચી છે બસ આવી તો તમારાથી ઘર ઉત્તમ જંતુ એ પરમાત્મા એ તો પોતે બે છે નહીં ઉઠો પણ આપણી પોતાની જે આપણી ભાવના હે ને એટલે તો સમાહી આત્મા ને જો પુણ્ય ને પાપ કા ભાવ જો હોતા હે એ દુઃખ હે અશાંતિ હે કહે છે કે જીવ ત્રિકાળી જ્ઞાન સ્વરૂપ છે આત્મા તો પ્રજ્ઞા બ્રહ્મ સુદાનંદ સ્વરૂપ ત્રિકાળ્યો ઉત્તી અંતમ દ્રષ્ટિ કરશે आत्मा में शांति का अंश प्रकट करना उसका नाम धर्म ने समाधि नमस्कार मार्ग है हाँ कोई रचना विकल्प में सपना विकल्प करते हैं कैसा मैं अपना सुनने का ये तो गुमराग है ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं वह टिकारी नाम स्वरूप है नित्यानंद प्रभु स्वरूप स्वरूप उसको पकड़ करके एकाग्र होना एकाग्र खाए उसका नाम धर्म है ये अज्ञानी ऐसे अपनी चीज कैसी है उसको मानते हैं मैं थोड़ी बोली हिंदी भी आई भगवान आत्मा ज्ञान में पिंड गुरु है ज्ञान स्वरूप जिसमें शरीर नहीं कर्म नहीं वाणी नहीं और जिसने पुण्य में पाप दया दान व्रत भक्ति का विकल्प है राग है ये भी उसमें नहीं ऐसी चीज को अंतर में पकड़ करके ज्ञापन होना अंतर में लीन होना उसका नाम धर्म है हे मोक्ष का मार्ग બાકી બધી ક્રિયાકાંડ કરો લાખ કરોડ વ્રત ને તપ ને ભક્તિ ને પૂજા ને દાન ને દયા સદ રાજકીય ક્રિયા હે હા
ये तो संसार आप राज्य क्रिया संसार परिभ्रमण का कारण है। बराबर समझ में आया। तो कहते हैं कि जीव शिकारी ज्ञान स्वरूप है, तेने बहिरात्मा अंतर स्वरूप ऐसा है ज्ञानानंद स्वभाव। वो तरफ की नजर के अभाव में वो चीज आत्मा परमात्मा स्वरूप अंदर है। वो तरफ की नजर दृष्टि छोड़कर बहिरात्मा अज्ञान भक्त अपना स्वरूप को जानते नहीं। दूसरा को जानने में प्रवीण, इंद्रियों द्वारा दूसरा पदार्थ में जानने से दूसरा पदार्थ का ज्ञान होता है। ये भी अपनी पर्याय में अपने कारण होता है, पर उसने बड़का ज्ञान में रुकने से अपना आत्मज्ञान वंचित होता है, अपना ज्ञान करने में ही परांग हो जाता है। समझ में आया। कैसे अज्ञान वर्ष ज्ञान को नीति क्या भगवान श्रीकाली शिका प्रभु ज्ञान नित्यानंद प्रभु ये बहिरात्मा बाह्य को ही अपना मानने वाला अपने में अज्ञान वर्ष उसको जानते नहीं। अने बाह्य इंद्री गोचर पदार्थ हो ये इंद्री गण जो बाह्य पदार्थ है ये मात्र ज्ञेय रूप ज्ञान में ज्ञेय है, दूसरी चीज है। चाहे तो सर्वज्ञ परमात्मा हो, चाहे तो देवगुरु हो, चाहे तो शास्त्र हो, चाहे तो मंदिर में प्रतिमा हो, सभी ना बाईस इंद्री जम पदार मात्र ज्ञेय रूप जानने लायक है। बता उसमें ईश्वर इसकी कल्पना करी, अनुकूल पदार्थ देखकर दूसरी चीज है तो उसमें कोई अनुकूलता प्रतिकूलता की छाप नहीं। ट्रेड मार्क नहीं क्या अनुकूल ना प्रतिकूल है, वो तो मेरे नाम अपना ज्ञान में जानने लायक चीज है। ऐसी चीज में जो भाग कर देते हैं इस शनिष्ठ की कल्पना करें, शरीर सुंदर हो तो ठीक, स्त्री सुंदर रूपाड़ी में मरे तो ठीक, ऐसा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जानने लायक पर नहीं पदार्थ में दो भाग कर देते हैं। समझ में आया। एक बार भगवान शिकारी ज्ञान दिया ना, शिकारी ज्ञान स्वरूप है, पर वस्तु अपने सिवाय शरीर वाणी मन स्त्री कुटुंब परिवार देव गुरु शास्त्र ये तो ज्ञान है, जानने लायक नई पदार्थ है, जानावा लायक वो पदार्थ है, वो पदार्थ इससे भी सरल है नहीं। छोकरा होशियार था तो बहुत सारा क्या कमाना गर्मी जगह गर्मी गर्मी एटले कर्म करना पाप गुजमय पैसा मतलब आए तो कहते हैं भगवान आत्मा चैतन्य प्रज्ञा ब्रह्म स्वरूप आनंद स्वरूप में ज्ञान स्वरूप है। ओ शिवाय अरे अंदर में राग हो, पुण्य का भाव हो, दया का भाव हो, के प्रति शरीर के कुटुंब आदि हो, के देवगुरु ने शास्त्र हो, मंदिर में प्रतिमा हो, इस ज्ञान में जानने लगे। ऐसे नमान कर अज्ञानी ईश्वर निष्ठी कल्पना करते है, ईश्वर है हमारा अंगी मानस है, अंगीत मानस है,
छानवी करना सबकी पापन कर सकते हैं जीने जितने समझने आया एक वस्तु पर है अपना ज्ञान में जानने लायक बस ये उपरांत ऐसा मानते हैं कि आ चीज बने स्मृति है आ चीज मेरे को अनुस्मृति है बस वो मिथ्या भाव है ब्रह्म भाव है झूठा भाव है पाप भाव है दौराशी लाखनी योनि में गंदगी में उत्पन्न करने का स्थान है वो समझ में आया मनीष कल्पना करी अपने को सुखी दुखी पैसा 5-50 लाख करोड़ देख लो 5 करोड़ लो 10 करोड़ नबद में हमने मिला सुखी है मोक्ष मांगते हैं बाकी आत्मा का स्वभाव को छोड़कर पर में सुख है पर में सुख है ऐसी मानता में आत्मा की शांति का हाथ नाक होता है समझ में आया कहते हैं अपने को सुखी हम सुखी बाल बच्चा और लक्ष्मी व्यापार धंधा और हमारा मुनि भी बड़ा स्थान को मिला है कि हमारा स्थान बड़ा अच्छा कर सुखी वो कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है झूठी दृष्टि झूठी है सुख तो अपना आत्मा में है आनंद स्वरूप है सचि का आनंद स्वरूप है उसका सुख का तो अनादर करते हैं है? और पर में सुख है पढ़ते हैं एक मिथ्या की दशा आत्मा की शांति का हिंसा करना है और अनिष्ट दुखी मैं निर्धन हूं मैं वांझिया हूं वांधा हूं कोई साधन नहीं रोटी का साधन नहीं खान का साधन रहने का नहीं मैं दुखी हूं वो भी मूड भी है आया दुख तो आत्मा आनंद मूर्ति है उसे पर में सुख दुख मानते हैं कि कल्पना वही दुख है और वस्तु दुख कारण का है नहीं समझ में आया सुखी दुखी धनवान निर्धन या धनवान है मैं धनवान हूं मैं पैसा वाला हूं मैं गर्भ श्रीमंत हूं मैं तो माता का पेट में आया जानते हैं श्रीमंत हमारा पिता भी से श्रीमंत के जरिए हमारा जन्म हुआ हम धनवान है मूर्ख है समझ में आया धन तो अपना अंदर में आनंद ने ज्ञान रखने से बड़ा बड़ा आत्मा है उसका अपना स्वीकार करके धनवान होना ये धन वो अपना था वो धनवान छोड़कर लक्ष्मी में मैं धनवान हूं मैं निर्धन हूं समझने आया मैं बलवान हूं मेरा शरीर में बलवान बड़ा था मैं बोला मत कौन कौन ब्राह्मण ग्राम हमें देते बहुत जोर एक मोटर रहते हैं एक मोटर दो मोटर को खड़ी रखते कि मरता वक्त ग्रामो ऐसा तो मई मत बात तो हो चुके नहीं माची आई माची हाथ मई सको लोग मई बोलवा हूँ कैसे आया समझ में आया ब्रह्म है मैं आत्मा ज्ञान हूँ आनंद हूँ ऐसे छोड़कर मैं शरीर से आदि बलवान हूँ ऐसी मान्यता है ब्रह्म ब्रह्म असत्य है झूठी श्रद्धा है झूठी श्रद्धा का फल संसार में रुलना दुख है समझ में आया और मैं निर्बल हूं
तो तुम क्या है तो शरीर की में कमजोर हो जाए, शरीर में कमजोर हो जाए तो घर के दिखा है भगवान आत्मनिर्भर का। शरीर की शक्ति कम होने से मैं दुर्बल हूँ ऐसी भानता दुखी पाखंड दृष्टि मंत्री है। हाँ आया और मैं स्वरूप हूँ, सुंदर सुंदर शरीर मेरा है, आत्मा की धूल है, धूल का रूप है तो जड़ का है तेरा है। हाँ रण में रूप में आप क्या कहते हैं तुम्हारा तुम तो हार 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 जाओ जीवन इसके नाथन तंत्र के साथ वो आवाज तंत्र में बे अब चालू करो रुपया बे अब चालू करो देखा स्मरवाणी आपका नाच बात मैंने जीती जाते ना बात नहीं कर दुख है थोड़ा नहीं करा कि लोग नहीं कहता नहीं करा क्योंकि हम लोग कहते ना तो अच्छा ठीक मिला मुंबई गवा में समय हम आपको बेहतर दिए तो मैं रात दौड़ रही थी बोला मैं मुंबई राशन बना तुम खरा चिंदा चिंदा बोला जाओ मारे समझ दस मिनिट स्वरूप होली है घर के घर के देखा है आप अस्माती से मैं स्वरूप हूँ मैं कुरूप हूँ। ऐसी मान्यता अज्ञानी पर चीज जानने लायक ना एक प्रकार का है उसमें दो भाग कर देते भगवान आप सुखम बात धर्म की चित्रा के सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव का प्रमाण है कि तुम कैसे भूला जो चीज को तुम न्याय जानने वाला है वो चीज को जानने लायक इतना चीज है। और उपरांत में ऐसे मान लेते हैं कि हमें स्वरूप होने वो तो जड़ है तो ज्ञान में जानने लायक चीज है उसका ऐसा न जानकर स्वरूप ही में हूँ गुरु के में हूँ राजा में हूँ बड़ा पांच पांच कुरुपी कहे मैंने नहीं जा राजा हूँ बड़ा हाथी धीरे में राजा राजा कैसे आया तुम तो आत्मा है ऐसा छोड़ कर अपने को राजा मानते हैं ढूंढ है निष्ठा नाम झूठी असत्य दृष्टि घेरने वाला है झूठा घेरने वाला का फल झूठा होता है। रंग हूं मैं तो गोली में भैया मानता हूँ तेरी चिंता है तेरा बातों को बिल्कुल मैं मेरे लिए मेरे लिए कोई शुरू नहीं असत्य मान का मुंड की है वगैरह हुआ अनुमान है विशेष मिथ्या अभिप्राय वह श्रद्धा ने माने थे झूठा अभिप्राय श्रद्धा ने वह ऐसे मानते हैं मिथ्या अभिप्राय वश अभिप्राय नाम श्रद्धा अज्ञानी मान शरीर उत्पन्न हुआ कि मेरा जन्म हुआ शरीर उत्पन्न हुआ तो मेरा मेरा जन्म जयंती याद नहीं होगा पता सर आठ वर्ष करते हैं ना जन्म जयंती आदमी जन्म जयंती तेरी जन्म जयंती शरीर शरीर उपजन तू अब आया शरीर का जन्म
समझ में आया? हाँ, शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ, शरीर का आना से मैं मरी गया, मर जाता हूँ। मरे कौन? भगवान तो सिखा बिना से आत्मा है, उसका जन्म कहा मरण का। समझ में आया? तो मैं मर गया, मैं मर जाता हूँ, मैं अरे चला जाता हूँ, मर जाता हूँ। मूड मानते हैं तो हूँ मरी गई, जो शरीर नो नाश करने से हूँ मरी गई, मैं मर गया, शरीर का ना घनक है, कौन मरे बापू? शरीर में उष्ण अवस्था तथा मेरे को बुखार आया, बुखार तो शरीर को आता है, साव तो उष्णाव है, उष्ण होता है, उष्ण होता है, हाथ में उष्ण है। हाँ, 5 डिग्री साव आया बुखार, मेरा मगज फट गया। डॉक्टर हाथ उठावा ना, डॉक्टर डॉक्टर 5 डिग्री सारा सड़ गया, अभी सौ साफ हो जाएगा, झट झट करो झट करो, दवा लाओ दवा। गुरु बाबा जी तो खूब डर है, उसके मुखार तो डर में आया है, तेरा सित में है, तेरा सित में आया है, डर का सित में आया है, खबर नहीं कोई खबर नहीं, अंधे अंध खुला आंडो दिखा रहे आंडो बता ले। धर्म की तो खबर नहीं, पर सच चीज क्या है, कैसे मैं पर को मानता हूँ, कैसे मैं अपनों को नहीं मानता हूँ, अपने को नहीं मानता हूँ, खबर नहीं कुछ। कैसे शरीर की अवस्था उष्ण अवस्था थी, मैंने ताव आया, शरीर की भूख मेरे को भूख लगी है, गलती होता है, इनको और की आत्मा भिन्न है। समझ आया? भूख मेरे तरस लग गया, मेरा गवाह सुखा कर मौसम लाओ, आइसक्रीम लाओ, फलाम लाओ, भूख कौन है तेरी खबर नहीं भाई, तुम चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य चमत्कार हीरा है, अंदर तेरी चीज चैतन्य चमत्कार से हीरा पर भरा पड़ा है। एक ममते को मानते नहीं, यहाँ ऐसा हम एक रोग आ गया, हम दुखी हुआ, तरस लगी, आदि अवस्था पता, मेरे को भूख तरस लगी, शरीर कपाई जता, मैं कपाई गया, रेल में कपाई जता है कि नहीं? रेल रेल में घरों मुंबई में था, मुंबई में घरों के प्ले चार मरे बड़े में बस में बस निकल देखे मर गए शरीर मेरा कपाई गया, मेरा नाक कपाई गया, मेरा नाक छूट गया, मेरा अवयव छूट गया, अवयव मेरा आत्मा गड़का है, माटी टूटे तो ये अवयव मेरा काट लिया और मैं सफाई गया, ऐसा मानना। अरे विजय एरी के अजीवनी अवस्था में ये तो जड़ की अवस्था है कि अपनी आत्मा की अवस्था मानते हैं। हाँ, मेरा मुख मार्ग में ना सुन लो, मुख मार्ग में आपने आप रूप जान, अपना आनंद स्वरूप ज्ञान, उसको अपना स्वरूप ज्ञान, सेमा पर का अंश पर न मिलना, राज शरीर आदि का अंश भी आत्मा में मिलान करना नहीं, अने पूता अंश पर परमा न मिलाना, ज्ञान की पर्याय जड़ से हुई है ऐसा मिलाना नहीं। समझ में आया? परमानंद ऐसा साचा सिद्धांत करते नहीं, सच्ची श्रद्धा सत्य का सत्य रूप है और असत्य का असत्य रूप है, श्रद्धा करते नहीं, धर्म से अनादि से सर्वभ्रम करते हैं। केम अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धारण
झूठी दृष्टि में निर्णय के बिना पर्याय बुद्धि की जानपना में मुख मत जानपना होते हैं कुछ सोच संज्ञान की पर्याय जानपना में और वर्ण आदि में अशरी वर्ण आदि में अहम बुद्धि दार्थ है जानने की दशा भी में यानी शरीर का रंगन की अवस्था भी में ऐसे मुंड की भ्रमणा करने वाला ज्ञान से मानता था जैन आप आत्मा से ज्ञाना भी में जानने की पर्याय इसमें और शरीर राशि उपदेश ने उपवास आदि क्रिया शरीर राशि का उपदेश होता है शरीर की क्रिया धरती है और उपवास उपवास करने से शरीर क्रम मग्न होता है मेरा शरीर क्रम हो गया ये सबकी अवस्था धरती है शरीर राशि उपदेश मैं उपदेश करता हूँ ये उपदेश की वाणी मेरी है मैं सारा भाषण कर सकता हूँ मैं जोरदार भाषण कर सकता हूँ शरीर वो तो अपना अपना मानते हैं और पर्याय में जीव बुद्धिगण का परस्पर निमित्त है अनेक क्रिया होती है क्या कहते हैं बोलना शरीर की आदि क्रिया जो होती है एक स्वतंत्र दर्द उसमें आत्मा का तो राज का निमित्त का ज्ञान का निमित्त मानता तो ऐसा न मानकर मैं दौड़ता हूँ मैं चलता हूँ मैं शरीर से काम शरीर का सब उपयोग करता हूँ लक्ष्मी को सब उपयोग करता नहीं कुछ नहीं शरीर का सब उपयोग किया शरीर मेरे जड़े में किए क्या कर सकते लक्ष्मी का सब उपयोग है लक्ष्मी तो जड़ है अभी है उसका सब उपयोग कर सकता अपना दान में देना ही सब उपयोग है फिर एक भोग में देना ही असद उपयोग है बातें झूठी है समझ में आया भाई सर्वज्ञ सुतरा परमेश्वर त्रिलोकनाथ शिखंडर देव आ आदि है पूरी समय खबर नहीं भैया तुम कहाँ अपना मानते हैं और अपना क्या है तुम छोड़ देते हैं मिट्टी में से तेरे खबर में था उपवास आदि किया देखो उपवास ने किया रस त्याग ने किया रस तो जड़े आने वाला नहीं था तो मैं छोड़ दिया रस का ना था तो भी जड़ की क्रिया को भी मान दिया हाँ आया सुना थे भगवान मैंने अनादि का बड़ी छोड़ रही है भूल निकालने की उसकी खबर भी नहीं और भूल निकले तो कैसा होता है उसकी खबर में क्या आता है धर्म की किया करे खबर में असामाजिक करण संस्कृत करण तरीके से धर्म की किया क्या आता है इसमें राग मंद हो इनका की किया है आया ऐसे आत्मा की क्रिया नहीं इतवा साधु प्रसादन क्या है अपना अपना मानते हैं और भी कुछ परस्पर नहीं की अनेक क्रिया होती है कि सर्व ने दो द्रव्युना मेरा शरीर भी मैं आत्मा ने शरीर की क्रिया दो मिलकर हुआ है शरीर ऐसे चलते हैं और मैं आत्मा उसका ज्ञान करता हूँ तो दो मिलकर शरीर की क्रिया से हुई नींद है शरीर की क्रिया में तेरा अधिकार कहाँ है नहीं आया और तेरी ज्ञान की क्रिया में पर का अधिकार कहा है तुम जानने की पर्याय में शरीर था इंग्लिश है तो मेरे ज्ञान होता है मुंड है पर दर्शन ज्ञान होता है ज्ञान तो अपने पर्याय है नहीं आया और नहीं तो उठा देते हैं यहाँ आप सुनो पर्याय में तो अनेक क्रिया होती है सर्व नहीं
दो द्रव्य का निरार्थ है, निर्जीव मानते हैं, पर आज जीवन किया है, जानना 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 वो जीव चुकिया है। जमा पुद्गल निमित है, तथा पुद्गल ने जड़ की किया है, वाणी की आदि जमा जीव निमित है, ऐसे भिन्न भिन्न भाव बातें नहीं, निमित्ता तो है बस इतना, पर मेरे से आ हुआ ना उससे मेरे में हुआ थोड़ा दिख लो। जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, इतना खुद चैतन्य स्वरूप आत्मज्ञान का भान बिना मति जिसकी मोहित है और मोह राग द्वेष आदि घना भाव से सहित है, ऐसा भी ऐसे मानते हैं क्या शरीर आदि बद नजीक में ना शरीर वाणी नजीक है और धन दान आदि अब लक्ष्मी दानिया नजीक में दिन है दूसरे है कुदगोर ग्रह मेरा है अच्छा कुदगोर माटी है शरीर माटी है वाणी माटी है मन अंदर एक आत्मा विचार करता है तो जड़ मन अरुपन का उससे मेरे ज्ञान हुआ ऐसे बद्ध नहीं अबद्ध मेरा चीज है धन में धन आदि आदि शब्द स्त्री कुटुंब परिवार लड़का लड़किया ये मेरा है वो मानसो सबको सर मुझे कुछ बार मुझे अंदर में तो बिल्कुल नहीं आते थे मारो समझ में आया बदने अबद की जो धन अनाज साकर भाव पकवान कपड़ा हो दागिना वगैरह मेरी चीज है आपको किसका मेरा है सीमत में से किसका करें नहीं करता ये आप अपने किसका हमारा हमारा इसलिए ओ इतने मारा नहीं ओ मारा ओ मारा हमारा अच्छे हम जैसे हमारा से माने थे हमारा मारा ही मुक्ति धन दाना भी बदा बद बुद्ध मारू से माने वही शरीर आदि बाह्य पदार्थ में एकता बुद्धि करने से शरीर वाणी धन धान लक्ष्मी आबरू कीर्ति उसमें एकता बुद्धि करने से अज्ञानी में भ्रम होता है कि क्या रस रूप गंध पर शब्द जो ज्ञान थाय है ये इंद्रियों की थाय है हाथों से मऊ से नीचों से तीखों से जो ज्ञान थाय ने तो ये एम माने से आ इंद्रियों से ज्ञान थाय तो जड़ इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय से होता है अपने करियर में होता है एक तत्व में दूसरा तत्व मिलान कर देते हैं कोई निष्का भाव निष्का दृष्टि निष्का दर्शन का देने वाला है एक का करने से अज्ञानी ने भ्रम होता है कि रस जीव में रस का ज्ञान होता है ना खट्टा है मीठा है तो जानते इंद्रिय द्वारा मेरे ज्ञान हुआ तो जड़ ज्ञान हुआ तो तेरी पर्याय में हुआ है रस से ज्ञान हुआ है इंद्रिय से हुआ ऐसा है नहीं घूमना भाई भाई साधु नाम धराव आपका छोड़े वो भी ऐसे माने क्या रस का खाता है तो रस से ज्ञान नहीं रखना मूंद है साधु नहीं मिटा देते हैं तो स्वरूप का साधन की तो उसको खबर नहीं मैं आनंद कर्म सच्चिदानंद प्रभु हूँ और तो मैं पर चीज को पर रूप जानने वाला हूँ अपने को अपना अपना जानने वाला हूँ ऐसा छोड़कर साधु नाम खड़ा कर भी
ऐसे मानते हैं कि रस का ज्ञान मेरे इंद्रिय से हुआ, पट का ज्ञान मेरे इंद्रिय से हुआ, गंध का ज्ञान मेरे इंद्रिय से हुआ, मूढ़ है, मूर्ख है। वो पैसा करवा जब मूर्ख में थोड़ी बहुत निकले तो बात ही कि भगवान इनसे समझता है तुम ज्ञान स्वरूप हो, चैतन स्वभाव हो, तो चैतन स्वभाव में जो पर का ज्ञान होता है ये अपने से होता है, पर से नहीं। समझ में आया? हिंदी से जिसे भोग करते हैं तो एक पर्स जो है ठंडा हुआ तो कुआवा है, कुआवा के तन ज्ञान होता है, कुआ में ज्ञान तो उसे ऐसा हो कि कुआवा है तो उससे मेरे ज्ञान हुआ, कुआवा तो जड़ है, अजीब से ज्ञान होता है आत्मा में, कहीं खबर नहीं कि अनादि सा ब्रह्म पूरा है। धर्म ने नाम दी, मैं दया करता साव सकता हूँ, घर की हिंसा कर सकता हूँ, ऐसे ब्रह्म है। और तत्व की अवस्था मैं कर सकता हूँ, पर तत्व जीवन रहा करता उसको मैं जीवाया, मैं आया और मैं उसको मार डाया, दादा किसको मारे थे तुम तो फिर उसकी अवस्था से भी संधिम हो उसके काम करती है, किसरे काम करती है, मानू के हूँ जो होना भी थे कि मानता थोड़े तो छूटे छूटे ऐसा नहीं अपन दाखिल अपना झाड़ के पास भीर कर मैंने गाड़ी पास भीर है गाड़े धीरे तुम छोड़ दे तो छुटे हम पर वस्तु को अपनी मानते हैं तो पकड़ के अपने काम से पकड़े आए छोड़ दे। मैं तो आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं पर क्या करने वाला नहीं, पर क्या नाश करने वाला नहीं, पर की हत्या करने वाला नहीं, और पर से मेरे में ज्ञान होता ये भी मैं नहीं। हाँ इंद्रियों से होता है, घट प्रसादी में जो ज्ञान था वो बाय पदार्थ की खाए थे मान कपड़ा देखते ना कपड़ा रेशमी कपड़ा हुआ तो रेशमी कपड़ा से ज्ञान रेशमी कपड़ा का हुआ मुंडी है उसे यहाँ ज्ञान होता है, जिसमें ज्ञान है उसमें ज्ञान होता है, उसके काम से ज्ञान होता है, उस कपड़ा में ज्ञान है। घट पता पत घरों का ज्ञान होता है कि बाहर पदार्थ होती था इसे ये पदार्थ नहीं है जाती है तो मेरे ज्ञान ऊपर का हुआ दुख है। ज्ञान का अपनी प्रयोग है अपने में होता है, अपने काम से होता है, इंद्रिय से होता है ना, ऐसा मानना मूंड है। खुद जाए तो न देख सकते हो बराबर है तो जान सकते हैं ना, जानने का अस्तित्व तो तेरे में है, जांच का अस्तित्व कैसे है जानने की पड़ी हुई अनिमित से हुई मानना रहेगा है हम कहते हैं। समझ में आया? झटपट अभी पदार्थन से खबर नहीं थी कि जीव में जो ज्ञान होता है ये अपना ज्ञान रूप उपादान शक्ति से होता है। हिंदुओं ने घट पदार्थी पदार्थों को जड़ उससे ज्ञान होता नहीं, ये तो ज्ञान सभा में नीत मात्र उपस्थिति है पर उससे ज्ञान होता आ समय समय में भूल कैसे कर रहे हैं वो बताते हैं। हाँ
अक्सर वहां सहन होना नहीं करना चाहिए। कैसे हुआ अक्सर में जाने तो डर है, जिसमें ज्ञान है उसको ज्ञान से ज्ञान होता है। देखो भाई सारी दिन सारी दिन किसी को प्रकृति न बेहता है, थोड़ा सुनाओ सारा जब हिंदुओं ने घटपटा के पदार्थों को डर है उससे ज्ञान होता नहीं, ये तो ज्ञान स्वभाव निमित्त मात्र है। ये रीते बहिरात्मा अपना ज्ञानात् स्वभाव को भूली, मैं तो ज्ञाता दृष्टा चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, मैं कोई से जानने वाला नहीं, कोई को बताने वाला नहीं, मैं भाषा करने वाला नहीं, मैं शरीर हटाने वाला नहीं, एक हवानी क्रिया मेरे से होती नहीं, गड़े युवा ने किया मेरे से होती नहीं तो दुर्की के ऐसा अपना ज्ञान स्वरूप मैं तो सुधा परमात्मा, मैं प्रज्ञा ब्रह्म स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वभाव मेरा है, ऐसा छोड़कर उसको छोड़कर वैराग्य में पर पदार्थ में अपना अस्तित्व मानते हैं, अपना होना पड़ा पर शरीर आदि में मानते हैं, इंद्रियों से ज्ञान हुआ तो नमस्कार तो इंद्रियों ही नहीं, इससे ज्ञान हुआ शरीर से हुआ अक्षरों से हुआ तो उसका तो यही मैं चीज हूँ, ऐसी मानता ब्रह्म अनादि से सोचते हैं। त्यागी अनंत वह हुआ साधु अनंत वह हुआ नाराज को इसकी ओर छोड़कर आज चीज इसके समझ में ना आए, समझ में आया मुनि व्रतधार अनंत धैर्य जुड़े कुछ गायो, मुनि व्रतधार अनंत धैर्य मुनि पुणा हुआ नग्न दिगंबर हुआ अनंत हुआ, मुनि व्रतधार अनंत धैर्य जुड़े स्वर्ग में उसे जीवा है ना जीवा उसके सामने जीवित है क्या लोक है कृष्ण आता है ऐसा ब्रह्मा पुरुष आता है भगवान स्थान ब्रह्मा देव है, उसने मुनि व्रत लिया हजारों रानी छोड़ दिया राजपाल छोड़कर ब्रह्मचर शरीर का पाया मेरे को प्रतिक्रिया कर दिया है तो आत्मज्ञान भी नहीं सुख न पाया, आत्मा का ज्ञान बिना आनंद न आया उसको, ये पंच महावृत्ति क्रिया भी दुख रूप है, बराबर है लक्ष्मण चंद जी पंच महावृत दुख रूप आसो है दुख है दया स्वामी का राग दुख है आई बात करें लक्षण करो कृष्ण करो नायक कैसा है भाई तेरे सत्य में अशक्ति है विवेक का भूमिका बातें नहीं करती दिया भी क्या महीना महीना अपवा का मंत्र किया छह महीना अपवा का मंत्र किया उसमें क्या आया वो तो राज की मंदता है और तो राज की मंदता तो उन मंद का कारण है एक अबंध स्वरूप भगवान मुक्त का मार्ग नहीं है सारे आशीर्वाद है शरीराजिमा पर पदार्थ में क्या आत्मधिक है अपना स्वभाव भूलकर शरीर आदि पर पदार्थों की अपना अस्तित्व मानते हैं और शरीर आदि पर पदार्थ में आत्मबुद्धि करते हैं आत्मबुद्धि मैं हूं तुम इससे मेरे ज्ञान होता है उससे मेरी शांति होती है उससे मेरे सुख होता है ऐसा ज्ञान पर पदार्थ में आत्मबुद्धि बांधकर अपना स्वभाव को खो देते हैं प्रतिपादन करी
मनुष्य आदि चतुर्गति संबंधी शरीर देखी जीव जीव में जुना प्रतिबंध करे हाथ नौ नर आत्मान अभिद्वान मन के नरम प्रियंतम प्रियगमंग सुरंग सुरम यथा तथा नारकम नारकांगतम न स्वयं तत्व तथा अनंतानंत भी सत्य सुसंदे जो वचन स्थिति ठीक है ना बने नर का देह के नर देह का देह जड़ माती मनुष्य का भी आचार तेमा रहने से नर गृहस्थ और देह में रहने से नर गृहस्थ कहने नर गृहस्थ नर का देह में रहने वाला नर ना देह में रहना आत्मा ने नर माने थे मैं मनुष्य हूं हाँ मनुष्य तो जर माती है आत्मा तो अरुचि भिन्न है उसको जिसमें रहते हैं वो मैं हूं क्या नाम का है तुम राजपूत का क्या नाम तुम्हारा राजपूत जानी से तारा भी हाँ मैं मेरे में हूं ऐसी खबर नहीं तो नर भी हूं रहने से मैं नर भी हूं हाँ ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि धर्म के नाम में भी मैं नर देह नर देह से घनी सत्या करता हूं शरीर में मैं शरीर का सदुपयोग करता हूं ये मैं नर हूं ऐसे मानने वाला मूड भी है समझ में आया कौन क्यों माने थे और विद्वान वाचन सर सुन और विद्वान एक मूर्ख है उनको चाहे तो 11 सजा हो 9 लब्धि 9 कुल की लब्धि हो नर गृहस्थ में नर हूं मैं देह हूं और देह की क्रिया मैं करता हूं और विद्वान है और विद्वान है ऐसा एक नर गृहस्थ महात्मा अविद्वान मन के नर कौन है वो माने थे अविद्वान बहिरात्मा ये देह ना रहने की चीज है तो मैं जिन हूं मैं देह में रहा हूं ये नहीं मैं तो मेरे में हूं ऐसे न मानकर नर देह में मैं रहा हूं शरीर में कौसा होता है ना काशी खाट का कौसा लोटा उसमें पानी है ना ऐसे आकार रहता है ना पानी जैसा नीचे थोड़ा उसमें काशी का तो पानी का आकार लिया था उसके अंदर में तो पानी का आकार खड़का के कारण में है खड़का का आकार खड़का में पानी का आकार पानी में है ना काशी खाता हूँ खड़का लोटा 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 में काफी घाट का लोटा है काफी घाट का लोटा जैसे इसमें पानी जल जल तो जल का आकार जल में है लोटा में नहीं लोटा का आकार लोटा में है जड़ में नहीं ऐसे शरीर का आकार है शरीर में जड़ में है आत्मा में जो है तो अपना आकार भिन्न रखते हैं पानी पानी में है पानी लोटा में नहीं नहीं आया कुटुंबा से भगवान
पंखा पानी में जड़ में जब है जब लोटा में नहीं लोटा बिगड़े दूसरी चीज है ऐसे आत्मा आत्मा में है शरीर में नहीं फिर तो जड़ मत है पर विचार क्या करवा नजर आ रहो में खाऊ भोगू में मरी मैं कसी जाऊ थोड़ा से हर करवा वो विचार करवा नगरों के लिए बहिरात्मा सीरियंस में आत्मा मानते हैं सीरियंस का शरीर हाथी घोड़ा तो उसमें आत्मा तो मैं भी उसमें रहता हूँ मैं भी स्वयं हाथी हूँ मैं घोड़ा ही हूँ कागरा में करते हैं ना करते हैं नहीं करना अपनी भिन्न है कि खबर नहीं शरीर तीन का शरीर में रहने वाला हूं तो वही मैं हूं शरीर में हूं पीला कागरा पुतरा ऐसा तो नहीं किया अनंत अनंत भव अनादिकाल का आत्मा तो है जो मिला हुआ है तो रहा क्या अनंत भव आया में जैसा जीवा जलता नहीं हो जीवा में जीवा तो जीवा में थे घोरड़ा में नहीं थे ये तो जीवा है चलते समझे आया जीवा जड़ पर क्या माने तो सही तो नहीं ओरड़ा ऐसा शरीर का आनंद किया उसमें से एक एक जगह उसमें दर्शन की तो जहां जा रहा क्या के नहीं है ऐसा माया मैं चैतन्य जीव तो अंदर में पर को स्पर्शी बिना अने पर में रहे बिना मैं तो गति करने वाला एक भाव में दूसरा भाव में चैतन्य हूं समझ में आया ऐसा न मानकर जीवंत का शरीर आत्मा मैं जीवंत हूं राजा की बात आते हैं राजा उनसे किया कोई ऋषि नहीं है कि तुम्हारा सात दिन में मृत्यु है पाँव देगा तेरी खुशी है इसके नहीं दी जाते जरूर यहाँ क्या कर सकते का है खुशी फिर हमें समुदाय आगे जाए अत्यारे मैंने मेरू हो क्या कुत्ता अरे कैसा कैसा कपाल में बोलता थोड़ा कपते हैं ऐसा हो गया बाणस ने हुक्म किया मैं जब जन्मू कुत्ते से मार डाला मेरे समान में मैंने नहीं हो सब मेरी यहाँ जन्म अपने जो उसके से मारवा जाए और बज नहीं तो प्लेने का बन अच्छा बन है नहीं जहां जा दे ना दे क्या 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 मैं अपने को मान करता थी सोचने की भावना किया अनंत काल से आतरो हिया भान भगवान सेवा नंदी संत ने नीचा में अभिमान सुनो अनंत काल से आतरो हिया भान भगवान सेवा नंदी संत ने नीचा में अभिमान हम जानते हैं हमको खबर है ऐसा ऐसा अभिमान थोड़ा सुना उतारने के लिए गया यहाँ कहते हैं कि भगवान तुम प्रियंत में गए तो प्रियंत पड़ा माना प्रियंत ना शरीर में रहना प्रियंत नु शरीर ये प्रियंत शरीर तेमा में रहा ऐसे प्रियंत कर एने आत्मा माने ऐसे ऐसे जीवो ना शरीर में गई वो पुण्य आदि क्रिया से हो है तो दे में जाते हैं पर ये गति है रखन में दे भी दुखी है
पांच पांच पच्चीस वर्षों को बाजार लक्ष्मी है मोटा बंगला शू कह भवन है पर है दुखी बरा बेचारा दिए आया देव मान जीवना शरीर में जाए तो देव मान देव छूपाओ शरीर करना मैं आत्मा ध्यान स्वरूप हूँ देव नहीं देव में नहीं मैं मनुष्य नहीं मैं स्त्री से नहीं ऐसा न जाना नारक ने आत्मा माने थे नारक नीचे ने बहुत पाप किया और मांस खाया दारू किया परिस्थिति का सेवन बहुत पाप करते मन में नरक में जाते हैं नीचे नरक है और हम लोग नहीं नीचे नर गति है सत्य नजर योजन से नारक असंख है अनंत देर में मांस दारू आदि किया नर में नरक में गई तो सब नरक का भोग भी अनंत किया है समझ में आया मनुष्य प्राण भी अनंत किया भव इससे नारकी का भव अनंत किया अत्यंत गुणा अनंत अनंत किया उसको और उसने देव का भव अत्यंत गुणा किया अनंत अत्यंत गुणा और क्या से मरकर आलू बचा सा बकर कमी कमी डोंगरी जीवे यहाँ गई तो अनुभव किया स्वर्ग का भव करता अनुभव किया उसने चार गति का सरवाला आनंद का उन्हें अभी तक रहा उसका समझ में आया कहे नारक है तो मैं नारक की बात करता मेरे को मारते हैं किस तरह यम यम होता नियम मानते हैं रोगी था यहाँ रोगी था तो उसकी सेवा करने वाला बड़ा भाई था तो इंदा मांस में लगन खबरा तो मांस खबरा बना रहा था वो मरक मरक में दी वो मांस के खाते थे पनीर तो पूरे खबरा थे तो वो उसका दम हुआ नारकी में दम देवता होता है यम होता है यम तो यम उसको मारते थे तो कहते पर अरे पर मेरे को मैं पाप सारे माटी किया था ये भव मैंने पर पाप किया तो मैं तेरे माटी किया था तो मैं तो पापी हूँ तो मारनार उसको मारते थे अरे अरे मेरे को तुम पाप कराया अगर खबर आया तुम ये हमें खबर आए हैं ये मरी ने नरक मार दिया वो लोग फिर होते हैं जम जम मैंने मारे अबो भाई अनंत देर हुआ है इसमें क्या बात है अपनी चीज की खबर नहीं निष्ठा भाव से ऐसा भाव क्या तो निष्ठा भाव छोड़ना अपना आत्मा का भान करना उसका उपयोग नहीं करना